आइए देखते हैं इनका प्रोजेक्ट जो है ऑटोमेटिक लॉक डोर है। ये देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन इनका क्या प्रोजेक्ट है भाई? भाई प्रोजेक्ट क्या है तुम्हारा? सर फिंगरप्रिंट ऑटोमेटिक डोर लॉक। करता क्या है सर? फिंगर लगाने पे हमारा डोर खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और फिंगर लगाने पे डोर क्लोज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या नया किया इस प्रोजेक्ट में? सर इसमें नया किया है, मार्केट में ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी है लेकिन मार्केट के कॉस्ट से, हमारे प्रोजेक्ट के कॉस्ट से ये इफेक्ट है। कॉस्ट कम लगा है, मार्केट का कॉस्ट अधिक है। अच्छा अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने कॉस्ट रिड्यूस करने का काम, तो आप किए कैसे? ये कैसे कॉस्ट कम हो गया आपका? कॉस्ट कैसे कम हो गया? सर कॉस्ट इसलिए कम हो गया कि इसको हम छोटे में यूज किए हैं। अच्छा, तो अच्छा साइज रिडक्शन किया आपने, वहाँ बल्क के मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं इस प्रोजेक्ट को हम? इसको सर सूटकेस में लगा सकते हैं, बॉक्स में भी लगा सकते हैं, डोर में लगवा सकते हैं, जहाँ भी सेफ्टी की जरूरत लगा सकते हैं, सिंगल लॉकर में नहीं लग पाया। अच्छा अच्छा, इसके लिए कोई पावर वावर भी चाहिए? यस सर, इसमें एरिडोनो के लिए 9 वाट का पावर चाहिए और ये हमारा जो लॉक है इसके लिए 12 वोल्ट का पावर चाहिए। अच्छा, इससे हम इसको बैटरी से देंगे तो ये बैटरी से भी ऑपरेटेड हो जाता है? बैटरी से भी ऑपरेट होगा, एडाप्टर से भी ऑपरेट होगा, मतलब डीसी सर वोल्टेज ही चाहिए। खैर ठीक है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा हमें, बस थोड़ा डेकोरेशन का दिक्कत है इसमें, बाकी वर्किंग कैसे करता है एक बार आप दिखा दें तो बेहतर है। क्लोज ओपन हो गया, क्लोज आ। अच्छा अच्छा, क्या करें, पैकिंग करना सर? नहीं नहीं, पैकिंग नहीं कराना। अच्छा, ये आपका वो पहले से फिंगर लगा हुआ है? फिंगर कोडिंग करना पड़ेगा उसमें, किसी का फैमिली का फिंगर लगाएंगे उसमें, किसी का फैमिली का हम लगाएंगे, बाकी का नहीं लगेगा। बाकी का नहीं लगेगा, ओके थैंक यू सर। और प्रोजेक्ट मॉडल भी चेंज कर सकते हैं, वाईफाई से, ब्लूटूथ से ये कनेक्ट हो सकता है, तब तो ठीक है, बेहतर है। अच्छा प्रोजेक्ट बनाया आपने, थैंक यू।